हाय गाइस, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ विराट कोहली को 30 सेंचुरीज मारने के लिए। 30 सेंचुरीज मतलब मिराकल है, ये चमत्कार है। 30 सेंचुरीज कुछ टाइम पहले ही मैंने देखा विराट कोहली का करियर स्टार्ट हुआ था और अब उन्होंने 30 सेंचुरी मारी। कुछ साल पहले 30 सेंचुरी में मेरे ख्याल से लोगों का करियर खत्म हो जाता था, 18-19 सेंचुरीज में करियर खत्म हो जाता था, और 30 सेंचुरी मार दी उसके अलावा टेस्ट में अलग। तो अमेजिंग, ये अमेजिंग टैलेंट है। तो गाइज, आपके साथ इसका सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे विराट कोहली ने इतनी सारी सेंचुरीज इतने कम टाइम में मार दी। तो गाइज, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा माइंड को कि माइंड कैसे काम करता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि जो वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है वो इंडिया से ही आ रहा है, वर्ल्ड का जो बेस्ट फुटबॉलर है वो ब्राजील से ही आ रहा है, या वर्ल्ड का जो बेस्ट इन्वेंशन है या बेस्ट प्रोडक्ट है वो अमेरिका से आ रहा है। तो गाइज, इसमें होता यह है कि आपके देश के हिसाब से जो भी चीज़ आपके यहाँ चलती है, जो भी चीज़ को आपने बचपन में देखा होता है, वो ही आप बड़े होके करते हो। देखिए, इंडिया में हमने देखा है कि बचपन से लोग हम देखते हैं कि बड़े बड़े बैट्समैन ऑल ओवर द वर्ल्ड रन मारते हैं, हमको बैटिंग का बहुत शौक होता है, तो बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चों का बैटिंग का टैलेंट होता है। वैसे ही विराट कोहली ने बचपन में एक सपना देख लिया था कि मैं सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल जाऊंगा, मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बन जाऊंगा। हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में ना सोचा हो, लेकिन ये जरूर सोचा होगा कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनूंगा। और जब उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे खेलना स्टार्ट किया होगा और जब लोकल टूर्नामेंट्स खेले होंगे, तब उनको अपने में एक स्पार्क नजर आया होगा कि हाँ, मेरे में कुछ अलग है, मैं कुछ अलग करता हूँ, मैं थोड़ा स्टार टाइप का प्लेयर हूँ। तब उनके मन में ये बात जरूर आ गई होगी कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हूँ। और उस कॉन्फिडेंस के आने की वजह ये होती है क्योंकि हमने बचपन से इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन को देखा है, इंडिया में क्रिकेट का इतना माहौल है और इंडिया में क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा पैशन है कि हमारे अंदर ये चीज़ आ ही जाती है। इसलिए इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन मारते हैं, वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बनते हैं। पहले सचिन तेंदुलकर थे, अब विराट कोहली बन गए, तो ये एक रीज़न होता है। और यही रीज़न है कि ब्राज़ील से बेस्ट फुटबॉलर बनते हैं, क्योंकि ब्राज़ील में वैसा माहौल है, वहाँ के लोग बचपन से फुटबॉल खेलना देखते हैं, वहाँ के लोग ये देखते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर्स कहाँ से हैं, ब्राज़ील से हैं। तो बचपन से ही एक सपना बन जाता है, आप जो देखते हो वैसा आप सोचने लगते हो। वैसे ही विराट कोहली ने बचपन में सोच लिया होगा कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन बनूंगा। और ये बिलीव और ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है, ये कॉन्फिडेंस आता है जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है। उन्होंने देखा सचिन तेंदुलकर को, उन्होंने देखा वीवीएस लक्ष्मण को, उन्होंने देखा सौरभ गांगुली को, उन्होंने देखा राहुल द्रविड़ को, जिनके 10-10 से 1000 से ऊपर रन है, और उनको देख देख के जो एक बिलीव, जो एक कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस जाके आपको वो इच्छा देता है इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने का, जो विराट कोहली को दिया गया। और इसलिए वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में इंडिया के टॉप 5 में इंडिया के बैट्समैन जरूर होते हैं, यही रीज़न है। और वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर्स में ब्राज़ील के फुटबॉलर्स ज़रूर होते हैं, यही रीज़न होता है। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में अमेरिका की कंपनीज होती है, क्योंकि माहौल का फ़र्क है, कैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उस चीज़ का फ़र्क है, कैसा आपके यहाँ इंटरेस्ट है उस चीज़ का फ़र्क है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि आप क्या करोगे आगे चल के। तो गाइज, हम लोग क्रिकेट में तो बहुत अच्छा कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर से कोई इंजीनियरिंग के प्रति कोई एक सपना है, अगर आपके प्रति अंदर से कोई डॉक्टर बनने का कोई एक सपना है, तो बिल्कुल आगे चल के आप कर सकते हो, अगर आपको वो बिलीव, वो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है तो। गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, और ये मुझे लगता है कि विराट कोहली को अलग करता है वर्ल्ड के दूसरे बैट्समैन से। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन।